तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, रात को 12 बजे ये वेब सीरीज स्ट्रीम हुई और इस वेब सीरीज को मैंने आधा देखा, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने इसको देखा और उसके बाद में सो गया, क्योंकि 35 से 40 मिनट के अराउंड में ये जो है पार्ट है इसके, यानी कि 8 पार्ट हैं और 35 से 40 मिनट का एक पार्ट है, एक एपिसोड है। आधा देखा मैंने, 4 एपिसोड, उसके बाद में सो गया। सुबह उठा 7 बजे, उसके बाद मैंने ये इसको देखना शुरू किया। 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हुई, उसके बाद मैं रिव्यू देने आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ऐसे बहुत से रिव्यूवर हैं जो कि सुबह 8 बजे इसका रिव्यू दे चुके हैं। अब इनसे जाके ये पूछो कि आपने कब देखी और आप इसका रिव्यू देने के लिए इतना जल्दी कैसे उठ गए और आप इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 12 बजे अगर कोई जागना शुरू करेगा रात में, तो भाई अगर सुबह 6 बजे तक जागेगा तो उसकी आंखों में इतनी झेपी झेपी नींद होगी, इसका चेहरा भी फ्रेश नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को यही मतलब है कि हमें सिर्फ अपने चैनल पे सबसे पहले रिव्यू अपलोड करना है ताकि पब्लिक को मिल जाए, भले ही वो सच्चा हो या झूठा हो। ये आप अपने काम के साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आगे जाके जब एक्सपोज होते हैं तो खुद ब खुद वो अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने काम के साथ ईमानदारी करो, जैसे कि हमारा सचिव कर रहा है। अब यहाँ पे सचिव कर क्या रहा है, देखो फर्स्ट एपिसोड में यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी ने सचिव का ट्रांसफ़र करवा दिया है। अब ट्रांसफर तो हो गया है, उसकी जगह एक नया आया है ऑफिसर। अब भाई उसको ताला खोलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ की भी पब्लिक है सचिव को इतना चाहती है कि वो दूसरा ऑफिसर चाह ही नहीं रही है, भले ही उसका ट्रांसफर हुआ हो, लेकिन आने वाले 4-5 महीने में वो खुद ही जाने वाला हो। तो इसका मतलब दोस्तों साफ होता है कि चौथा सीजन भी आराम से आएगा और ये 4-5 महीने ये इसी 8 एपिसोड में निकले हैं और निकलेंगे, ये आपको देखने के बाद पता लगेगा। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिन रिव्यूवर से आपने इसका रिव्यू सुना है, आप उनसे चौथे या पांचवे एपिसोड के बारे में जान लो, अगर आपने देखा है तो इस वेब सीरीज़ को, वो बता नहीं पाएंगे। वो क्या बताएंगे, BGM अच्छा है और फर्स्ट और सेकेंड जो सीज़न था वो इतना अच्छा नहीं था, ये बहुत अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा है कलर, मतलब यही बात। उनको ये नहीं पता कि अंदर क्या है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। अब वो बाद में आराम से देख लेंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने रिव्यू तो दे दिया, अब मैं आराम से कभी भी देख लूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद में मैं आपको बता दूँ, 6 साढ़े 6 7 घंटे आपके ज़रूर ख़राब होंगे, लेकिन आप लोग बोर नहीं होंगे। आप लोगों को ये हमेशा लगेगा देखते हुए कि यार ये एपिसोड और 2-4 मुझे मिल जाए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पोजीशन पे इस को ख़त्म किया है कि आने वाला एक चौथा सीज़न है जो दस्तक दे रहा है, जो कि दरवाज़ा नॉक नॉक कर रहा है। और ये चीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी बेहतर लगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितना टाइम अभी सीज़न 3 को आने में लगा है, उतना टाइम अब चौथे सीज़न को आने में नहीं लगेगा। हाँ देखो, डायलॉग डिलीवरी में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड सीज़न में जो हमने जिस तरीके से कॉमेडी देखी, पंचेस देखे, उसी उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले और सेकंड, यानी कि पहले और दूसरे सीज़न में जिस तरीके से पंचेस थे उससे अच्छा है, नहीं, सेम उसी चीज़ को लेके चला गया है और सेम डायरेक्टर साहब ने उसी चीज़ से यहाँ पे काम करना शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने वहीं से उसको कंटिन्यू किया है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, मज़ा भरपूर उससे ज़्यादा आने वाला है। अब वो कैसे आने वाला है, कुछ यहाँ पे क्या नया हुआ है, ये सब आप लोगों को देखने के बाद पता लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दूँ तो आप लोग देखोगे ही क्यों, देखो मज़ा बहुत आएगा। हाँ बस ये है कि 6-7 घंटे आप लोगों के ख़राब ज़रूर होंगे, लेकिन वो भी मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ ख़राब होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा मेरे ख़राब हुए। तो फिलहाल भाई इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।